व्हाट इफ आई टेल यू कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक फेलियर है? क्या बकवास है। भारत के सबसे लव्ड प्रेसिडेंट जिन्होंने साइंस की फील्ड में इतने सारे योगदान दिए, वो अब्दुल कलाम एक फेलियर कैसे हो सकते हैं? Well, it depends. Just give us a few minutes to make our point. और अगर आपको हमारे ये different वाला tribute अच्छा लगा तो इस वीडियो को share कीजिए। भारत के इन real heroes की कहानी आप तक पहुंचाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। अपने लाइफ के एंड में अगर किसी इंसान के नाम पर सिर्फ एक वीणा, कुछ किताबें, एक घड़ी, लैपटॉप, 6 शर्ट और 4 पैंट को छोड़कर कोई मटेरियल वेल्थ ना हो तो आप उसे क्या कहेंगे? एक फेलियर जो अपनी लाइफ में कुछ नहीं बन पाया। अगर हाँ, then this is the story of a failure. Life is not fair. कुछ लोगों को पैदा होते ही एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, एक से बढ़कर एक लग्जरी चुटकी बजाते ही उनके नजरों के सामने होती है, और दूसरी तरफ कितनों को बेसिक्स भी नसीब नहीं होते। और लक के मामले में एपीजे एक फेलियर थे। रामेश्वरम में उनके पिता एक नाव चलाते थे। उनके घर में, जो शायद इस कमरे से भी छोटा होगा, उसमें 10 भाई बहन रहते थे। एक नाविक की कमाई में इतने सारे बच्चों के पढ़ाई का खर्चा उठाना इम्पॉसिबल था। लेकिन कलाम की सीखने की इच्छा इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो हर दिन सुबह 4 बजे उठकर पेपर डिलीवर करते। चलकर पूरे गांव में पेपर डिलीवर करते करते उसी पेपर को पढ़ के उन्होंने खुद को एजुकेट किया। नसीब ने फेंके हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी समझने वाले कलाम ही। बचपन से ही कलाम आसमान की ओर देखते। आसमान में उड़ते हुए पंछियों से इंस्पायर होकर वो खुद भी उड़ने के सपने देखते। आसमान को छूने के इस सपने ने उन्हें एयरफोर्स के एग्जाम तक पहुंचाया, जहां एपीजे फेल हो गए। सीट सिर्फ 8 थी और कलाम आए 9th। अगर अपने बचपन के सपने को सच करना सक्सेस है तो इस डेफिनेशन से एपीजे फेलियर है। लेकिन अगर एपीजे फेल ना होते तो विक्रम साराभाई सर के स्टूडेंट ना होते। विक्रम साराभाई और सतीश धवन दो ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने साइंस की एक पूरी जनरेशन भारत को एक गिफ्ट के तौर पर दी। इसी गिफ्ट का एक हिस्सा थे एपीजे अब्दुल कलाम। डिड यू नो कलाम सर कुछ टाइम के लिए नासा में ट्रेनिंग के लिए गए थे। वहाँ की मैनेजमेंट उन्हें देखकर इतनी इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने कहा कि आप नासा में जॉब ले लो, वैसे भी भारत में रखा क्या है। कलाम सर हंसे और सीधा भारत लौट आए एक जिद के साथ। एक साइकिल पर रॉकेट ले जाने वाले इसरो से लेकर मार्शियन मूवी से भी कम बजट में मार्स तक पहुंचने वाले चैंपियन ऑर्गेनाइजेशन के फर्स्ट जनरेशन का हिस्सा थे एपीजे अब्दुल कलाम। लेकिन लिफ्ट ऑफ स्मूथ नहीं था। जब एक यंग कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 के डायरेक्टर बने, तब लोगों ने कई सवाल उठाए। स्पेस जाने से क्या फर्क पड़ता है? भारत में क्या कम प्रॉब्लम्स है? पहले ग्राउंड रियलिटी समझो और फिर आसमान के सपने देखो, पूरे देश ने यही कहा। लेकिन फिर भी कलाम सर ने जी जान लगाकर SLV-3 पर काम किया। अपने पूरे करियर में कोई वीकेंड ऑफ नहीं लिया, कभी छुट्टी नहीं मनाई। वो सिर्फ 2 बार काम पर नहीं आए, और वो भी जब उनके पेरेंट्स गुजर गए। इतनी जी जान से तैयार किया गया हुआ भारत का आत्मनिर्भर लॉन्च व्हीकल जिसे सितारों को छूना था, वो बे ऑफ बंगाल में जाडू। अगर अपने लाइफ के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में फेल होना, देश को लाखों का नुकसान करवाना एक इंसान को फेलियर बनाता है, तो इस डेफिनेशन से एपीजे तो फेलियर है। लेकिन हाँ, 1 साल के अंदर अंदर फिर से एक लॉन्च हुआ जिसने भारत का यह झंडा आसमान से ऊपर पहुंचाया। कलाम की इस जिद के लिए उन्हें मेरा सलाम। अपने फेलियर से उन्होंने एक सक्सेस मंत्रा सीखा, ग्रेट एम बिकॉज स्मॉल एम इज अ क्राइम, अक्वायर नॉलेज, बी अ स्टूडेंट फॉर लाइफ, हार्ड वर्क, एक्सक्यूजेस आर फॉर लूजर्स एंड परसिवियरेंस बिकॉज गिविंग अप इज नॉट इन आवर डीएनए। इसी मंत्रा को फॉलो करते करते वो भारत को एक माइलस्टोन से दूसरे माइलस्टोन तक लेकर गए। अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइल जो देश की बॉर्डर्स की रक्षा करते हैं, हमें कलाम ने दी। भारत को न्यूक्लियर पावर बनाने में कलाम ने एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया, और ये सब पॉसिबल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो हर कदम पर सक्सेसफुल थे। ये पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने इस बात पर विश्वास रखा कि रियल सक्सेस इज मूविंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट अ लॉस इन एंथुसियाज्म। उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने होम मिनिस्टर बनने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उन्होंने अटल जी को रिस्पेक्टफुली ना कह दिया क्योंकि उन्हें अपना पैशन फॉलो करना था, स्टूडेंट्स को सिखाने का पैशन, उन्हें इंस्पायर करने का पैशन। एज अ प्रेसिडेंट उन्होंने कभी सैलरी नहीं ली, उन्होंने सारे पैसे भारत के गांवों को डोनेट कर दिए ताकि वो गांव डेवलप हो पाए, वहां स्कूल्स बन पाए, वहां के किसी बच्चे को वो प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े जो बचपन में कलाम को खुद फेस करनी पड़ी। इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको एपीजे अब्दुल कलाम की मटेरियल वेल्थ के बारे में बताया था। अब उनकी असली वेल्थ के बारे में जानते हैं। 40 अलग अलग ऑनररी डॉक्टर्स, भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न, और दुनिया का सबसे बड़ा सुख, जिस काम में दिल लगता है वो काम करते करते दम तोड़ने का सुख कलाम सर के पास था। आई फील इमोशनल व्हेन आई से दैट कलाम सर ऐसे टीचर थे जो अपने आखिरी दम तक स्टूडेंट्स को इंस्पायर कर। IIM शिलोंग में एक स्पीच देते देते उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। उनके स्टूडेंट्स के प्रति इस प्यार के वजह से हर साल दुनिया भर में उनके बर्थडे को स्टूडेंट्स डे के नाम से मनाया जाता है। ये सब जानने के बाद कोई पागल ही होगा जो एपीजे अब्दुल कलाम को फेलियर कहेगा। ये डिपेंड करता है कि आप उनकी कहानी को किस नजरिए से देखते हैं। लेकिन हाँ,
एपीजे अपने लाइफ के एंड में भी एक फेलियर कहला सकते हैं अगर हम उनका विजन याद ना रखें तो। नासा की जॉब को ना कहकर, होम मिनिस्टर ना बनकर, दूसरी बार प्रेसिडेंट ना बनकर उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इस ब्लाइंड फेथ के लिए डेडिकेट कर दी कि आने वाली पीढ़ी उनके सैक्रिफाइसेस के, उनके नॉलेज के लायक। अब ये आप पर निर्भर करता है, आप आपके लाइफ के साथ क्या करते हैं इस पर निर्भर करता है। एक्सीलेंस के पीछे दौड़ते हैं या मीडियोकर बनते हैं, ईमानदार रहते हैं या चोरी करते हैं, मटेरियल वेल्थ सब कुछ है ये मानकर चलते हैं या रियल वेल्थ की गहराई समझते हैं। क्योंकि एट द कोर कलाम सर एक टीचर थे और एक टीचर का सक्सेस या फेलियर उनके स्टूडेंट्स के सक्सेस या फेलियर पर निर्भर होता है। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे एस्टीम, हम हमेशा सोचते थे कि मीडिया भारत के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों, तो हमने एक पॉजिटिव सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए, अगर आप यहाँ पर नए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऐसे ही और पॉजिटिव वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे फर्क पड़ता है।